अभी मैं फिलहाल जीतने के बाद 150 युवा का नौकरी दूंगा, ये मेरा अखंड खुला चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूरे पंचायत में अगर मैं ये नौकरी नहीं दिया तो मैं बाबा ज्योतिष नाथ के प्रांगण में बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। अगर ये नौकरी नहीं दिया तो मैं ये जिंदा समाधि लेने का हकदार भी लेता हूँ। देखिए हमारी जनता बोलती है विकास नहीं हुआ। विकास कैसे होगा? एक बल्ब लगा देने से, 5 किलो राशन दे देने से, 500 रुपया दे देने से ये विकास कतई नहीं होगा। ये सब जानते हैं, हमारे ग्रामवासी सब जानते हैं कि आज का वोट पैसों पे चल रहा है। अगर हम 500 हम माल बकरी हैं। नमस्कार, न्यूज टीवी सिवांचल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में समय पंचायती चुनाव का माहौल है और लगातार कई जगहों पर चुनाव हो चुके हैं और कई जगहों पर भी बाकी हैं। और आपको बता दें कि आज न्यूज टीवी सिवांचल की टीम पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट ब्लॉक में और यहाँ आज से नॉमिनेशन का जो कार्यक्रम है वो चालू है और इसी बीच कई प्रत्याशी आ रहे हैं और अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं और न्यूज़ टीवी सिवांचल की जो टीम है लगातार प्रत्याशियों से रूबरू हो रही है, उनकी जो बातें हैं वो जनता के बीच रखने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार जिस तरह से वो चुनाव में अपना कदम रखे हैं वो आखिर क्या चाहते हैं, जनता विकास वाकई में कर पाएंगे। इन सभी सवालों को जब जानने के लिए आइए, हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो कि भगवानपुर हाट प्रखंड के सराय पड़ोली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अंगद चौहान जी और इन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया है, फर्स्ट नॉमिनेशन इनका हुआ है और आज इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में इन्होंने अपना कदम रखा है, इनका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ये इस चुनाव में आए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है और आपने फर्स्ट नॉमिनेशन किया है। सबसे पहले तो मैं न्यूज टीवी सिवान के माध्यम से अपने श्रोतागण के चरण स्पर्श करना चाहता हूं और भावी जितनी भी हमारे माताएं बहने हैं उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूं। और पंचायत में हमारे माताएं बहने भाई बुजुर्ग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, हम विकास जमीनी स्तर से करना चाहते हैं। एक मुखिया को कितना हक होता है पंचायत में विकास करने का वो हम करना चाहते हैं, पंचायत में जमीनी स्तर का विकास करना चाहते हैं। और मैं खुल के ऐलान करता हूँ, अगर मैं पंचायत में मुखिया पद से जीत गया तो मैं 150 युवा का नौकरी अवश्य दूंगा। मैं कहाँ से दूंगा और मैं स्वयं निर्णय करता हूँ, जय वह ज्योतिष नाथ के प्रांगण में जाकर मैं शपथ आज ही लूंगा और अभी लेता हूँ कि मैं 150 नौकरी का मैं युवा का रोजगार दूंगा। ये मेरा खुला अखंड प्रतिज्ञा है, इसमें किसी को रोकने का बस नहीं है, मैं 150 युवा का नौकरी अवश्य दूंगा और मैं दूंगा कहाँ से ये मैं निर्णय लूंगा। अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि क्या जो आपके पहले मुखिया जी थे उन्होंने काम नहीं किया क्या विकास? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो विकास किए या नहीं किए। मैं अगर पद में पे आऊँगा तो मेरी सोच है, महात्मा गांधी जो एक सीख दिए हैं, महात्मा गांधी पूरा विश्व में उनको लोग जानते हैं और माइंड जितना जिसके पास माइंड होता है ना सोचने का उतना ही होता है। मेरा माइंड है ना, अभी मैं फिलहाल जीतने के बाद 150 युवा का नौकरी दूंगा, ये मेरा अखंड खुला चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये अभी जनता को विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूँ। अगर पूरे पंचायत में अगर मैं ये नौकरी नहीं दिया तो मैं बाबा ज्योतिष नाथ के प्रांगण में बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। अगर ये नौकरी नहीं दिया तो मैं ये जिंदा समाधि लेने का हकदार भी लेता हूँ सराय करौली पंचायत में। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भावी मुख्य प्रत्याशी हैं और अंगद जी हैं, इन्होंने काफ़ी शपथ लिया है। और बता दें कि पनिया डी में एक ज्योतिष नाथ मंदिर है जो कि काफ़ी भव्य मंदिर है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, उस देवता की ये कसम खा रहे हैं कि जनता भारी मोहम्मद से जिताती है और ये मुखिया बन जाते हैं तो सबसे पहला जो उनका काम होगा वो कई लोगों को रोजगार देना, क्योंकि देखा जाता है कि बिहार में कई लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर प्लान कर रहे हैं और वहाँ रोजगार खोजने के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो भावी मुखिया प्रत्याशी अंगद जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहला काम यही होगा। अंगद जी, ये बताइए कि जो भी प्रत्याशी आते हैं कई लुभावन देकर चले जाते हैं, फिर जनता जो है भोली भाली जनता है अपना कीमती वोट देकर जाती है लेकिन उसको फिर बाद में झेलना पड़ता है। देखिए हमारी जनता बोलती है विकास नहीं हुआ।
विकास कैसे होगा? एक बल्ब लगा देने से, 5 किलो राशन दे देने से, 500 रुपया दे देने से ये विकास कतई नहीं होगा। ये सब जानते हैं, हमारे ग्रामवासी सब जानते हैं कि आज का वोट पैसों पे चल रहा है। अगर हम 500 हम माल बकरी हैं कि 500 रुपया में हमको कोई खरीद लेगा, हम खुला चैलेंज देते हैं, हमने युवा के साथ है और युवा हमारे साथ रहेगी तो मैं 150 नौकरी से ज़्यादा और महिला को भी शामिल करूँगा अपने ये स्कीम में। और ये मैं नहीं किया तो आप, मैं प्रतिज्ञा तो ले ही लिया हूँ, तो ये मैं ज़्यादा जनता से कहूँगा कि भारी से भारी मतों से विजय बनाए, ऊपर आकाश से ना हवा के तरह चलें, जमीनी स्तर से गंगा के तरह चलें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और ये मेरा खुला चैलेंज है कि मैं 150 नौकरी का ऐलान करता हूं कि ये कोई नहीं मुखिया किया है, नहीं ये सोच है, नहीं ये करेगा। ये मेरा आप सभी से, जनता से ये ऐलान है। जनता से फीडबैक कैसा मिलता है जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं? जनता से देखिए, मैं पहला बार मैं जब खड़ा हुआ था तो 25 प्रत्याशी थे, अपने अपने वादे के साथ। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, मैं बीएससी भी कर लिया हूँ, बीएससी ग्रेजुएट हूँ मैं। और मेरा जितना ये सोच माइंड है ना, लोग कहते हैं ना कि माइंड, जो माइंड होता है ये दुनिया का सब श्रेष्ठ है ये माइंड। और किस लड़के को कितना माइंड है सोचने का वो आप ही जान सकते हैं। आपके माइंड में क्या है आप खुद नहीं जानते, हम नहीं जानते, और हमारे माइंड में क्या है आप नहीं जान सकते। तो यही मैं बार बार कहूँगा श्रोता अपने पंचायतवासियों से, माताएं बहने से, कि गलत वोट ना दें, जो अच्छा लगे, जो रोजगार दे उसी को वोट दें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं एक बार सेवा का मौका। तो आपने देखा कि भगवानपुर हाट प्रखंड के सराय पड़ोली पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी अंगद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने दावा है कि अगर जीतते हैं तो काफ़ी बड़े से बड़े काम कराएंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो देखना यह होगा कि क्या वाकई में अगर भावी मुखिया प्रत्याशी अंगद चौहान जीतते हैं तो जनता के हित में काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस आप हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से, संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।